अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पप्पू भैया ने इनको धोखा दिया है। ये लोग 10-10 जूता चलाइए इनपे। अरे साहब, लोगों ने फंसाया हमको। मारेंगे कट्टा, टिप्पा खा गिरोगे बे। जीजा के बारे में बिना सोचे कुछ बोल मत देना। बैठ, तू नीचे बैठ। अरे जनाब, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो जीजा से बचा हो। ऐसे ऐसे धार्मिक पुरुष हैं, ऐसे धार्मिक पुरुष हैं कि अगरबत्ती लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे जनाब। ओ बाले बाल उधर कर ले, कर लियो सिर वाला सोए बुद्ध कुशला सर्वाधि सर्वदा सर्वा सर्वदि आशु शंकरा पादमं पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु। एक बार तो मेरी मम्मी खो गई मथुरा में और जाके मिली कहाँ? आगरा में। इस धोखे में कोई धार्मिक स्थल समझ के पहली बार मौका मिला ताजमहल देखने का, वो भी पूरे परिवार के साथ। एक कहावत है जनाब, हर आदमी की तरक्की के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, और हमारे जीजा के पीछे हमारी भोली भाली बहन का हाथ है। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, कितनी देर हो गई है। पापा जी हम बिटिया आगे बैठेंगे। क्या बात कर रहे हो पापा जी, देखो आगे हम बैठेंगे, आप पीछे बैठिए। आपको मालूम है ना हमारे पैर में कितना प्रॉब्लम है। अरे आओ ना जल्दी, सब लोग देर हो गई है। चलो जल्दी बैठो। ए मम्मी तुम इधर बैठना समझी, कान में हवा लगेगी नहीं तो। चलो सारा सामान ले लिया मंजू? हाँ हाँ रख लिया रख लिया। तुम पीछे बैठो। बैठ रहे हो और कहाँ बैठ गए? तो हम कहाँ बैठे? अरे हम बैठने वाले हैं वहाँ पे। अरे आप पैदल आइए ना मंदिर तक। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सुनो जी, हमने मन्नत मांगी थी, इस बार बंटी पास हो जाएगा तो आप मंदिर तक पैदल चलकर आएंगे। 6.5 किलोमीटर दूर है मंदिर। अरे पापा मेरे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हाँ, आप बंटी के भविष्य के साथ का ही खिलवाड़ कर रहे हैं? चलिए पहुँची मंदिर तक पैदल। क्या जीजा काहे अल्लाह कर रहे हो? अरे मंदिर आ जाओ, वहीं मिलते हैं। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? 6.5 किलोमीटर के बाद हमारा क्या भविष्य होगा? उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण की कथा सुनने के पश्चात कलावती और लीलावती का व्रत धन धान से पूर्ण हो आ गया। पप्पू हमेशा दिल से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अरे अगरबत्ती है थोड़ा पीछे। पानी ला। अब रुक जाओ, पूजा खत्म ही होने वाली, बस बाद में मांगना पानी। एक तो ना तुम्हारी देर से आने की आदत बड़ी खराब है। अरे छोड़ो इनको, छोड़ो। इनके अपराध के लिए क्षमा करना, ये पूरे बिठूर मंदिर के 10 चक्कर लगाएंगे। अब कौन सी मनोकामना? अरे यही कि किसी तरीके से अम्मा वाली प्रॉपर्टी जल्दी से बिक जाए बस। लोग ऐश्वर्या के, शाहरुख के, माधुरी के और सलमान के फैन होते हैं, मगर हमारे जीजा जी और दीदी सिर्फ और सिर्फ पंडितों के फैन हैं। गुरुजी की असीम अनुकंपा से जो आप लोगों को भभूत प्राप्त हुई है उससे सारी पीड़ाओं की समाप्ति होने वाली है। अरे आओ पप्पू आओ यार, फिर लेट हो गए। महाराज जी की जय हो। आओ मंजू यहाँ बैठो। जय हो महाराज। तकलीफ कैसी है? अब महाराज जी तकलीफ तो वैसे ही है बस। जय हो महाराज जी। पंडित जी कहाँ बताए, वही रोज की तरह जो है भीषण जाम लगा पड़ा है भूसा टोली में। मतलब कहाँ बताए, मतलब जब तक जूता परेट ना करो ना कोटा समझ नहीं होता। सब ससुरे ऐसे ही हैं। खैर अब सुनो काम की बात। मामला ऐसा है कि तुमको बहुत बड़े धन की प्राप्ति का योग है, गड़ा धन मिलने वाला है तुमको। यही खुशखबरी देने के लिए गुरु जी ने स्वयं यहाँ बुलाया है तुमको। गड़ा धन, गड़ा धन। अम्मा। पप्पू। हाँ अम्मा, हाँ अम्मा, हम आ गए। अम्मा अम्मा कहाँ? अम्मा ए अम्मा, अम्मा पप्पूआ, ए पप्पूआ अम्मा,
अरे अम्मा कहाँ हो अम्मा? अरे पप्पो, अरे पप्पुआ, और यहाँ सभी ज्ञानी हैं। अरे आज फिर अम्मा को घूरने लगे। अरे कहाँ घूरते रहते हो? चलो महाराज जी के यहाँ जाना है, जल्दी जाओ नहा के आओ। चलो अम्मा सपने में आके बहुत डरा रही हैं। हे भगवान, सारी उम्र हमको परेशान करती रही, अब पता नहीं क्या चाहिए इनको। चलो मंजो। अरे कहाँ है, देर कर रही हूँ, हमको समझ नहीं आ रहा। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, शोर मचा के रखा है। मंजो बैग ले लिया कुंडली का? हाँ, रख लिया भाई, रख लिया। हाँ चलो ठीक है, ये देखो डॉक्टर पटेल का पोस्टर। अच्छा ये भी तो है। हाँ मातक चौकी रखी है, रानी माँ बुलाया इस बार। अच्छा चलेंगे, कौन जाने अपने से। है ना? आओ पप्पू, आओ आओ। आ, 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 आओ बेटा। जय माता। तुम फिर देर कर दिए हैं। जय माता। और मंजू तकलीफ कैसी है? ठीक है महाराज। यहाँ बैठो। जय हो महाराज। जीते रहो, जीती रहो। अरे आराम से बैठो। बताओ। अरे महाराज जी क्या बताएं, वो जब से आपने जो है गड़े धन के बारे में बताया है महाराज जी, रातों की नींद जो है ना वो हराम हो गई है। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है पंडित जी, आप प्रॉपर्टी हम बेचना चाह रहे हैं और जो अम्मा है वो उसमें डेरा डाले बैठी हुई है सपने में। महाराज जी ये अम्मा जी भी कहा करती थी कि इनके हाथ में गड़ा धन है, पर ये मानते ही नहीं है। अरे बात मानने ना मानने की नहीं है मंजू, देखो। अरे काहे नहीं मानते हो पप्पू, देखो इसका मतलब दोनों मम्मी खुद ही दस्तक दे रही हैं। दोनों मम्मी? हाँ, एक तो लक्ष्मी मम्मी, दूसरी तुम्हारी मम्मी। अम्मा पहले कहा करती थी लेकिन अब खुद डायरेक्ट इशारा कर रही हैं कि देखो पप्पू यहीं कहीं यहीं पे गड़ा हुआ है धन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मतलब, हाँ, मतलब ना बेचें? औका बिल्कुल ना बेचो, हम कह रहे हैं। महाराज जी जया जीते रहो। जीते रहो पप्पू। वो पहले तो वो बिटिया के ब्याह का जिक्र कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अब आप ही बताइए। मतलब कैसी पार्टी ढूंढ रहे हो हमको बताओ, सर्विस वाली, बिजनेस वाली या फिर पॉलिटिशियन? पंडित जी क्या है देखिए, इस बारे में हम कुछ सोचे थोड़ी ना है, अब जैसे आप लोग बताएंगे वही करेंगे। हम क्या कहें, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखो बोर्ड लगा है पढ़ लो। ये शादी की रेट लिस्ट है आपका? वो हमको अभी तक क्या लग रहा था कि ये जो है सुनामी में जो पीड़ितों को दान दिया जाता है उसकी लिस्ट है। पंडित जी ये हमारी हैसियत से बहुत दूर है महाराज जी, मतलब हम दूर दूर तक सोचे नहीं सकते हम। मतलब अरे अरे सुनो भाई पप्पू सुनो तो, एक खास पार्टी है करोड़ों की, मंदना में 3 बीघा जमीन गई है और मुआवजा मिला 3 गुना ज्यादा, समझे? महाराज जी की असीम अनुकंपा से आगामी चुनाव में पार्टी होने वाली है राज्य मंत्री, फायदा किसका? तुम्हारा। अगर वो राज्य मंत्री बन गए तो लड़के की शादी में तुम ही मांग पाओगे करोड़ों, है कि नहीं? लेकिन पंडित जी ये मंदना के ये कौन शख्स हैं? एमएलए कन्नी बाबू। अच्छा कन्नी भैया जी, तुम पहचानते हो क्या, कौन है?
अरे रुको तो, काहे मिले हो का पहले? ना ना, मिले नहीं है, ऐसे हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन होल्डिंग में देखे हैं उनको, अब पूरा शहर जो उनके होल्डिंगों से जो है नहाया पड़ा है, सब जानते हैं। कन्नी भैया, तुम कहो तो कल ही भिजवा दें। जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय महाराज जी, कृपा होगी तभी सब होगा। गड़े धन के बारे में कुछ बता देते तो अच्छा था। खुश रहो, खुश रहो, ले महाराज जी बोल दिए, समझो, खुश रहो। देखो पप्पू भैया, गड़े धन की पूजा अभी करा ले, पूजा होते चमत्कार की गारंटी पक्की। अच्छा, जय हो महाराज। जीजा, जीजा, अरे यहाँ हो, यहाँ क्या देख रहे हो जीजा? हैं? अपनी सल्तनत देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सेम लड्डू। पिताजी देखो ना, कितना छोड़ गए थे, वहाँ से लेके वहाँ तक, देख रहे हो एकदम। हाँ, कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ ना जीजा, पिछले जन्म में आप राजा महाराजा रहे होंगे, ये मोहल्ला नहीं बसता अगर आप ये सब कुछ नहीं बेचते थे। हाँ, लगता तो हमको भी कभी कभार ऐसा ही है लड्डू, लेकिन मालूम है हालात कुछ गड़बड़ ना हुए होते और समय कुछ ऐसा ना आया होता तो हम बता रहे हैं। अगर एक भी जमीन ना बेची होती तो आज वहाँ जो देख रहे हो ना, वहाँ से लेके वहाँ तक तो पूरा का पूरा जो है ना तिवारी स्टेट बना देते। तिवारी स्टेट की बात कर रहे हो आप? हाँ। पता है इस मोहल्ले की जमीन के बारे में क्या कहा जाता है? क्या? बेचने जाओगे तो बिकेगी नहीं, खरीदने जाओगे तो मिलेगी नहीं, रेट नहीं है इसका। बात कर रहे हैं, बात सही कह रहे हो। वो देखो क्या हो गया, उतरा। अबे मुतने की जगह है, चल भाग। छोड़ो छोड़ो, जूता खो रहे साले। अरे हाँ लड्डू, क्या कह रहे थे तुम? नहीं नहीं, मैं तो क्या कह रहा था कि आपकी अम्मा की आखिरी निशानी बची है ये सब। हाँ। अरे यार फिर भूल गया, देखो बताना था आपको, फुन्नू का फोन आया था, कह रहा था पार्टी मिल गई है, सौदा करवाना है, 30 लाख दिलवा देगा इस प्रॉपर्टी के। अभी रहन दो, अभी नहीं बेचेंगे। हैं? क्या है? देखो लड्डू यार, अम्मा की आखिरी निशानी है, थोड़ी दिन और रुक जाते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हो सकता है अच्छा रेट दे के जाए बाद में। क्या जीजा कैसी बातें कर रहे हो यार, 4 महीने डंडा किए पड़े थे, जो भी रेट मिल जाए बेच दो बेच दो बेच दो, अब अचानक क्या हो गया? कोई बात है यार। अच्छा इधर देखो, क्या कहीं वो बात तो नहीं है? कौन सी बात बे? क्या जीजा, हमको सब मालूम है, मंजू दीदी सब बता। अबे चुप रहो यार, चुप रहो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, बता रहे हैं तुमको। हाँ, और तुम्हारी बहना जो है ना वो भी एकदम अजीब है, एक बार ये प्रॉपर्टी का काम हो जाए तो अम्मा और पिताजी की आत्मा का उद्धार हो जाए, समझ रहे हो? ए जीजा, अपने साले को ना भूल जाना यार। अबे तुम भी एकदम अजीब बात करते हो यार, अपनी बहन की तरह। हाँ, कैसे? तुम्हारी बहन कहाँ करी थी मालूम? हाँ। हमसे कह रही है। हाँ। कि सुनिए जी। हाँ। हमको ना वो जो गड़ा धन निकलने वाला है ना सरफिया, उसका हार बनवा दीजिए। तो हमने कहा गर्दन लटक जाएगी मंजू। ओ वैसे भी हम जैसे जमींदारों काम करने क्या जरूरत है जीजा। सही कह रहे हो, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अबे लड्डू, धूप बहुत बढ़िया निकली है, एक काम करो, बढ़िया से बनाओ खिचड़ी, पापड़ और मूली बनवाओ सलाद, और धूप के सामने बैठ के खाया जाए, और घंटा दो घंटा सेकी जाए धूप। अरे आपने मूड बनवा दिया, दीदी से बोलते हैं अभी, बोल के आते हैं। बोलो। भाई मैंने सोच लिया है, मैं आज बोल कर रहूंगा उसे। सुन बेटा, मोटरसाइकिल में ब्रेक हमने भी बहुत लगाए हैं, सबसे पहले बोलूंगा मैं, अगर मेरे को ना कर देती है तो तू बेटा उसकी तरफ भटकना भी मत, और अगर मेरे को हाँ कर देती है तो तू मुझे बना लेना जीजा। ये क्या बकवास है? अरे अरे आज हाँ बिल्कुल आपका तो है। अरे ये बाटी लिए कहाँ घूम रहे हो भाई? अरे इसे रख दो वहाँ, अच्छे से कपड़े पहनो, जाओ बढ़िया। और सुनो, हाँ बूढ़ी कहाँ है? पता नहीं कहाँ, जाओ ढूंढो बुला के लाओ। अरे सुनो भाई, मंजू सविता लड्डू, अरे भाई जल्दी आओ भाई, लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाओ और तैयारी करो, सब गंदा पड़ा है घर। अरे भाई तुम तो मॉडलिंग में छाए हो पूरे शहर में। हाँ? वो दिन दूर नहीं है जब मॉडलिंग की दुनिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करूंगा। अच्छा पहले यहाँ से तो निकलो। अच्छा सुनना गोल्डी यार, मुझे भी कहीं न्यूज रीडिंग में लगवा देना, पता है भाग भाग कर इतनी परेशान हो गई हूँ, कोई अच्छी न्यूज मिलती ही नहीं है यार। देख
मैंने तो तेरे लिए बात की थी ना मनीष सर से, बट वो कहते हैं कि उन्हें मेरे अलावा किसी और के साथ काम करना ही नहीं है। देख एक महीने में मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी, तो उसके बाद आई गेस तेरा भी हो जाएगा। ओह शिट, इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। किसकी? मम्मी। हाँ हाँ हाँ, कनी भैया आ गए हैं आप। कहाँ पहुँचे? कहाँ? नहीं, वो गली में आ गए, वो जो छोटी चौकी उसके सामने क्रॉस कर गए। हाँ तो बस आप समझ लीजिए आ गए, बस थोड़ा सा, बस कुछ कदम अंदर है। आप एक काम करिए, आप कहाँ हैं इस समय? किराना शॉप के सामने होंगे? नहीं वहाँ नहीं, थोड़ा और आगे, तो दूध वाले के सामने होंगे ना। बस आप एक काम करिए, आप सीधे चलते चले आइए एकदम सीधे, और पीपल का पेड़ बाएं हाथ पे मिलेगा, बस वहीं से आप मोड़िए। अरे गाड़ी आ जाएगी। अरे खर्च छोड़िए, हम क्या कह रहे हैं कि कोई मिल जाए किसी से, आप जो इतना पूछ लीजिए कि पप्पू तिवारी घर जाना है, किसी से आपको घर तक छोड़ के आएगा, आप देख लीजिएगा। अरे एकदम छोड़ के आएगा। हाँ इतनी जगह है, गाड़ी में बैठा लीजिएगा। हाँ हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ आइए। हाँ एकदम, बस बस, अरे सब तैयारी है, आइए आइए। हाँ ठीक, हाँ हाँ। अरे तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे, तैयार नहीं होना है क्या? हाँ हाँ। ए भाई साहब, पप्पू तिवारी का घर कौन सा है? कहाँ बताया आपने? यहीं पे बताया था अंकल। यहाँ दो गलियाँ हैं। 1932 में गुजरात से चले पिताजी यहाँ, तब उन्होंने दुकान ली धनकुट्टी में। यहाँ दुकान, सामने मकान। तब से लेकर अब तक पप्पू तिवारी नहीं, पप्पू मिश्रा को जानता हूँ। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर रहते हैं। आप कहो तो उनका मकान बता दूँ। यार नाना जी बहुत दिनों से बीमार है, जस्ट मम्मी का फोन नहीं लग रहा। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, किसी और को लगाओ। बंटी बंटी, आई जस्ट होप घर में सब कुछ ठीक ठाक हो। अरे सब अच्छा होगा बंटी, फोन उठा। हाँ बंटी क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे तू बोल, हुआ क्या? जल्दी आ, मैं स्टैंड के पास वेट कर रहा हूँ। तू बता तो, हुआ क्या घर में? बस तू जल्दी आ जा। आ रही हूँ। अरे अरे क्या हुआ? अरे वाह भाई वाह, आई तो बहुत ही बढ़िया लग रहा, चकाचक एकदम अपना घर। कहा जीजा, ये देखो कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा हूँ। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मंजू हाँ, कौन है ये? सविता हाँ, लड्डू हाँ, रस्सी हटा दो। हाँ देखो फोन आ गया। देखो देखो हाँ, कनी भैया आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। क्या लिखा है जिला? अच्छा हो गया, अंकल को जाने दो, जाने दो। सागर बेटा बैठो, अच्छे से काटना है। हाँ बढ़िया से कलम वलम बनाना, अच्छी है। भाई साहब क्या कहा आपने? मतलब क्या नाम बताया बेटे का? मतलब नाम सागर, सागर। वाह वाह भाई साहब, अद्भुत, आपने तो सारे मुहावरे बेकार कर दिया भाई साहब। कैसे? सुना था हाँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और यहाँ सिर्फ एक बूंद से सागर बना दिया। चल बना दे। अरे सुनो, कौन है वो? खड़े तो हैं सामने। हमारे साल की सारी शुभकामनाएं एक साथ ही दे दी। किनारे लो, जैसे पूछते हैं। ए भाई जी, इधर आओ इधर आओ जी। पप्पू तिवारी का घर कौन सा है? अरे वो खड़े तो हैं। ए कहाँ खड़े? वो खड़े हैं ये। आइए आइए, खिला रहे हैं। हम उधर ही, चलो चलो, हम आपसे बात कर रहे हैं फोन पे। चलो चलो फोन पे, आइए आइए। वाह वाह, आइए इधर आओ। अरे सुनो, पूरा भोकाल तानिएगा। हाँ आगे बैठो, ज्यादा ज्ञान ना दो। बस 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 बस, आइए। नमस्ते जी। अरे तुम लोग समझोगे कि नहीं समझोगे कि बैल के बैल ही रहोगे? बंदूक कपट मारा तो देखना चाहिए था, जिंदा है या नहीं। अरे दादा कुछ नहीं है। क्या हुआ? हुआ क्या? क्या बताए, दादा को कष्ट होते कैसे देख ले। दादा कौन? अरे अरे क्या बात, क्या बात बाबा। वो हट नहीं रहा था तो इन्होंने बट मार दिया। अरे अरे बट मारा तो देखना चाहिए ना कि ससुरा जिंदा है या नहीं। कौन आ गया? क्या बात है कनी भैया, आई आई। नमस्ते। अरे आप यहाँ भी? आई आई आई, सागर कहाँ है?
अद्भुत, कमाल है, कमाल के व्यक्तित्व है ये। इतना कमाल है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, आपका बेटा कहाँ है सागर? अरे वो जी, वो स्कूल गया है। स्कूल गया है? तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? अरे बहुत पुराना याराना है। जीवन की बस एक बूंद। मतलब? वाह, कमाल कर दिया आप। अरे ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये हमारी पत्नी है। जी बहुत अच्छा, प्यारा है सागर। क्या हुआ बंटी? अरे बैठो बस। हाँ बैठो, पर बता हुआ क्या? अरे बैठो। अरे गोल्डी बता, तो हुआ क्या है? ये हम क्या करें, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे वाह, रखो रखो सविता, अब ये समोसे की हिस्ट्री थोड़ा हम आपको बता दें। ये हमारे का हलवाई है, बिरचू हलवाई। हम सही बता रहे हैं, एक बार खा लोगे तो बार बार वहाँ को कहे कि वो जो है ना वर्ल्ड क्लास फेमस है इंडिया का। जाओ जल्दी। हाँ भाई, तो हम क्या करें भाई, ऐसे जो है हमारे के लोग ऐसे ही होते हैं। अरे गोल्डी आ गई। ये हैं हमारे सुपुत्र बंटी हैं। तैयार करा के लाते जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आपके शकल पे गया कसम से। गोल्डी, अम्मा अम्मा अम्मा, गोल्डी गोल्डी गोल्डी, गोल्डी गोल्डी गोल्डी, रुको रुको आप लोग रुक जाओ। ओ टेंशन नहीं है, बंटी बैठ गया है। और एक काम करो, चेहरा देखो उसका। एक मिनट पहले बस बस, अब देखो चेहरा। हाँ तो हम देख लेंगे, बुढ़ा देखा। देखो हटो बंटी हटो, चेहरा देखने दो। हम बहुत मारते हैं पता है तुमको, पप्पू तिवारी नाम है हमारा। ये तो दमा जी है। अरे राकेश जी, राकेश जी क्या कर रहे हो? कौन है? अरे राकेश है, राकेश। अरे राकेश उठाओ उठाओ भाई, उठाओ उठाओ, चलो चलो। आप आवाज दे देते, हम राकेश है राकेश। आप कुछ बोले नहीं, हम समझे चोर है। यहाँ बैठिए आराम से। अरे सुनो, पानी लेके आओ, पानी पानी पानी। मैं पानी लेकर आती हूँ। पापा। हाँ बेटा। बहुत मारे गए हैं हम। अरे गलती हो गई, गलती हो गई। अब देखिए आप बिना ऐसे कहे। अच्छा ये बात बताइए, आप कैसे है घर के अंदर, कैसे टपक पड़े आप? पाइप से चढ़ के। क्या मतलब, का किया है आपने? आप बताइए, आप अगनीमत मनाइए, मोहल्ले वाले नहीं देखे, नहीं तो ढूंढ देते कसके। और पप्पू तिवारी को सब जानते हैं। और क्या, और हम ना बड़े खतरनाक लोग हैं, हमारे यहाँ मारते बहुत है। हाँ, बहुत दिन से आप लोगों से मिले नहीं थे, तो हम सोचे कि मिल लेते हैं। अच्छा सर, अरे सरप्राइज दे रहे थे जीजा जी, सरप्राइज। हम खा दमाद जी, आप तो हम लोग को डरा ही दिए थे। ये लीजिए हल्दी वाले दूध पीजिए। ये कौन? फेस पैक लगा है। सुनिए, हम बहुत मारे गए हैं, आप हालचाल भी नहीं पूछेंगे। ये लंगूर कौन है? अरे ऊपर ले जाओ।
क्यों भाई? अरे जाओ बेटा, जाओ चलो चलो लगा लो लगा लो। ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन किलर है, इंजेक्शन ले लीजिए। तुम हुआ पापा, हम आपसे निवेदन करते हैं। बोलो 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 बोलो। हमको गाड़ी तक छुड़वा दीजिए बस। तो कौन सी बड़ी बात है, छुड़वा देंगे ना, आपका है परेशान, इतना ना परेशान हुई है। छुड़वा देते हैं, छुड़वा देते हैं। मैं छोड़ के आता हूं ना, मैं छोड़ के आता हूं। आराम 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 से, आराम से, आराम से, आराम से। हम क्या कह रहे हैं? अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ बोल रहे हैं दमाजी। हाँ। हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब हम क्या कह रहे हैं, निवेदन है, कुछ कन्नी भैया को पता ना चले। हाँ, कुछ पता ना चले। अरे हाथ रखो, हाथ रखो, ले जाएं, कुछ और बोलना है? नहीं, ले जाएं, ले जाओ, चलो।